नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गोवा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि यहां ममता बनर्जी की मौजूदगी में नफीसा अली और मृणाली देश प्रभु आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। ममता ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने गोवा के लोगों से कहा है कि मैं यहाँ आपकी ताकत छीनने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपकी मदद करने आई हूँ। हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। I'm just like your sister. I didn't came here to capture your power. But my heart touches to see the people when they're facing trouble, if we can help them. You will do your job. We will just help you from the process. Now Bengal is a very strong state. We want to see that Goa is a strong state for the future, the Navi Shakal, new dawn of Goa. We want to see. How is it possible? Yes, somebody is questioning. Mamta ji is in Bengal. How she will do the Goa? Why not? I am an Indian. I can go to anywhere. And you are asking me this question, whether I am a Hindu or Muslims or Catholics or Christians or what is this? I believe secularism. I believe unity. I believe India is our motherland. If Bengal is my motherland, Goa is also my motherland. वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली बीजेपी कोई नहीं होती, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं। वहीं गोवा चुनाव की रणनीति को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। कम्युनिटी इधर में है, आप लोगों को लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ एंड लाइवलीहुड तृणमूल कांग्रेस जरूर एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। इंडिविजुअली कैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए वो हम देखेंगे। आपको जो सब्सिडी वो लोग विथड्रॉ कर लिया है, जो 38,000 कर दिया है 50,000 से, उसको हम बहुत बढ़ा देंगे, जैसे आप लोगों को लाइवलीहुड ठीक से रहे, आप लोगों को बच्चा लोग, आप लोगों को परिवार अच्छा रहे। इसी कम्युनिटी के लिए हमारा गौरव है। आप लोग एक कट्टा में ये विश्वास रखिए कि हम देखने के लिए इसी के लिए आए हुए हैं कि आप लोगों को जो जो करना है वो करने के लिए हम वो कर देंगे, और हम उसको डिटेल्स हम आपको पास से सुझाव लेके, आपका जो ईसाई कम्युनिटी है आपके सब पास से सुझाव लेके जो जो करना है हम कर देंगे, और हमारा मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। मैडम, गोवा में आपका क्या टारगेट है? गोवा में आपका क्या टारगेट, क्या चमत्कार करना चाहते हैं गोवा में? बता दें कि बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी अपने राष्ट्रीय लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गोवा में पैठ बना रही है। शनिवार को ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिसके बाद वो पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और मापुसा में बोधकेश्वर मंदिर की यात्रा करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।